आपको मनोज जोहर प्लम्बिंग वर्क में स्वागत है। और चलिए आज हम आए हैं सत्ता पर, जो कि यहाँ पे एक बाथरूम है, जो कि उसमें पानी बाथरूम में टॉयलेट में सब में आ रहा है, लेकिन वॉश बेसिन में नहीं आ रहा है। उसके लिए हमने जो ABCD चैनल है उसमें से हमने देख के ये पंप बनाया है, जो कि ABCD चैनल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके थ्रू से ये पंप मैंने हाथ से बनाया हूँ। आज इसका एक्सपीरियंस लेना है, देखना है ये सही काम करता है कि नहीं करता है। ये पंप मैंने उनमें से देख के ही बनाया हूँ। और चलिए देखते हैं, ये है सतापुर गांव और यहाँ पे हम आए हैं। आज देखेंगे बाथरूम का काम करेंगे, सही होता है, सक्सेस होता है कि नहीं होता है। ABCD चैनल में आपको अगर ऐसा वीडियो देखना है तो ABCD चैनल में जाइए, और हम उसमें से ही सीखे हैं ये पंप। चलिए अभी जाते हैं जो कि बाथरूम का काम करने। देखिए ये सतापुर गाँव है, कच्चा रास्ता है, जो कि हम आए हैं यहाँ से 20 किलोमीटर। भाई को मैंने भी बोला था कि मोटर का प्रेशर मारो, क्योंकि उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आओ तो सर्विस कर जाओ। चलो हम आए हैं अभी सर्विस करने के लिए। देखिए सतापुर गाँव देखिए, छोटी गाड़ी है, कच्चा मकान भी बहुत सारा है। तो कैसे रहा है? हमें ठोक मारे मोटर से दोस्तों। हम ये जो पंप लाए थे काम सक्सेस करने के लिए, लेकिन इसमें अभी जो कि छोटा मोटा जो कि 6 बार हो जाता है टाका में, और वो जो होता है उसके लिए ये पंप है। लेकिन इसमें अभी हमने इतना मेहनत कर लिया, यहाँ से हमने पंप मारा था लेकिन प्रेशर नहीं आया, खाली हवा आ रहा है, और वहाँ दिल्ली में भी हवा आ रहा है, लेकिन डबल वहाँ से भी मार लिया, यहाँ से भी मार लिया, नहीं हो रहा है। बाजू वाला बाथरूम है उसमें भी पानी आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अभी ये प्लम्बिंग काम हमने ही किया था, और हमारा मेन लाइन जो है यहाँ से ही आ रहा है, और यहाँ पे टी लगा हुआ है, ये मेन लाइन भी है, उस पर उसमें पानी आ रहा है। लेकिन ऊपर से उन्होंने अभी बताया, क्योंकि हमने ऊपर टाकी के मुंह में कपड़ा बांधा था, और वो कपड़ा अभी देखा तो टाका का अंदर है नहीं, तो अभी हमको ऐसा लगा कि हमने इतना मेहनत किया, उसके बाद पता चला कि कपड़ा आया है तो ये होने वाला है नहीं। और पंप जो है हमने खान साहब से देख के सीखा था, बनाया था, और इसका कोई काम होने वाला है नहीं। अभी इसको तोड़ के यहाँ से कटिंग करके इसको रिटर्न करना पड़ेगा, अभी इसका अंदर से कपड़ा निकलेगा, वो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं कपड़ा निकल रहा है कि क्या निकल रहा है। देखते हैं जो इसमें भी बांधे थे कपड़ा, कचरा ना आने के लिए, लेकिन वो कपड़ा खुद कचरा होकर अंदर आ गया है।
चलिए देखिए थोड़ा सा गलती के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, छोटा सा गोल के लिए कितना बड़ा मेहनत होता है। निकाल के लिखा है देखिए, अब ये कपड़ा तो निकल गया, अब ये जो रेंजर दे गया है टाइट लग चुका है, इसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे? चलिए ये हम आपको ज्वाइंट करके पाइप चालू करके सीधे आपको क्योंकि ये एक बार हमने तोड़ दिया, अभी लादी लग चुका है। इसके लिए पहले जैसे डायरेक्ट था ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए हमने एक लादी में तोड़ के किया ताकि ये चार एल्बा लगा के कंप्लीट कर दिया, नहीं तो अभी इसको अगर डायरेक्ट करना हो तो ये पूरा दूसरा लादी भी तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमने इतना लादी में ही काम कम्प्लीट करवा लिया, हो चुका है। शावर भी कम्प्लीट, अभी इसमें जब गर्म पानी लेना हो तो शावर जो ठंडा पानी है उसको कम कीजिए और गर्म पानी का वाल उसको भी मेंटेन कीजिए, आधा दोनों को हाफ हाफ कीजिए तो गर्म ठंडा यहाँ पे दोनों मिक्स में आएगा शावर में। अगर शावर में नहीं चाहिए तो ये दोनों बंद कर दीजिए, दोनों बंद हो गया। अब ये दो जो लाइन है इसमें ठंडा पानी आया और ये नल है इसको खोलिए तो इसमें गर्म पानी आया, अभी ये गर्म ये ठंडा। ताकि टाका में जो कचरा आता है बोर का पानी आता है, इसलिए कचरा ना जाए टाका का मुँह में, इसलिए उन्होंने उधर कपड़ा बांधा था तो वो कपड़ा अंदर चला गया था लाइन में। हमने प्रेशर मारा जो कि पंप से मारा लेकिन तो भी सक्सेस नहीं हुआ, इसके लिए हमको लाइन नीचे तोड़ना पड़ा। अभी यहाँ पे देखिए हमने ये काम किया था और यहाँ पर टाका फिटिंग हुआ था, इसका एयर पाइप मोटर लाइन है और ये सोलर फिटिंग भी हमने किया था।